पाकिस्तानी रियल अच्छे हैं, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगैज, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडिया हैज 0% चांस ऑफ गोइंग इन टू रिसेशन अमेरिकन रिपोर्ट। मतलब अमेरिका ने एक रिपोर्ट की है और लोगों के सामने रखी है, जिसमें बोला कि इंडिया के 0% चांसेस हैं आर्थिक मंदी, मतलब इंडिया में बिल्कुल नहीं आ सकती मंदी की हालत में, इंडिया मतलब नहीं जा सकता, इकोनॉमिकली फॉल इंडिया का नहीं हो सकता। ये मतलब इस रिपोर्ट ने बोला, पाकिस्तान के बारे में बोला, चाइना के बारे में बोला, चाइना के भी क्योंकि भाई ट्विटर पे भी आज ट्रेंड कर रहा था, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 20% चांस बता रहे थे कि आर्थिक मंदी में जा सकता है। अच्छा, मैंने आज ट्विटर पे देखा। अब देखते हैं, पहले तो वीडियो देखेंगे और कौन कौन सा कंट्री है और इंडिया के क्यों, मतलब किस तरह 0% उन्होंने बहला। पीडी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी ही देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के 0% चांस है जाने के, आर्थिक मंदी में जाने के चांसेस इंडिया के 0% है, श्रीलंका के 85% है और बाकी कंट्रीज के भी बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया है 0 probability ऑफ स्लिपिंग इनटू अ रिसेशन। ये कहा है ब्लूमबर्ग की एक स्टडी ने, और ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज की इकोनॉमी को इवेल्युएट किया है और ये कहा कि हमारे हिसाब से आने वाले 12 महीनों में इन देशों के चांसेस काफी हद तक दिख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। नंबर वन पे श्रीलंका है। कोई यहाँ पर ऑब्वियसली आपको खास कोई प्रेडिक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, जो श्रीलंका की इमेजेस आ रही हैं उससे आप कह सकते हैं बिल्कुल 85% चांस है कि ये देश लंबी आर्थिक रिसेशन में चला जाएगा। उसके बाद आप देखोगे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना भी यहाँ पे आपको देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों के 20% चांस है आर्थिक मंदी में जाने के। इसको कहते हैं रियल आयरन ब्रदर्स। इंडिया यूएस की तरह नहीं, जहाँ पर यूएस के चांसेस है 40% आर्थिक मंदी में जाने के, इंडिया के 0% चांस है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ इस टॉपिक को, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट छोड़ दी? पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया इस कंट्री में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली ऐसा किस कंट्री में हुआ था, फ्रांस, इटली, स्वीडन या फिर स्पेन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, यहाँ पर आप कहोगे इंडिया के 0% चांस क्यों है, ये तो बड़ा अजीब है, 1% ही दे रहे थे, 0% कुछ ज्यादा ही ये नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट? डिडोल की भी ऐड आती है तो वहां पर भी कहते हैं कि 99% इफेक्टिव है। तो देखिए, मैं कहूंगा कि आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं, इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, उसके अलावा आप अगर देखो तो इंडिया में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली देखो, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत में इन्फ्लेशन नहीं है, भारत में बिल्कुल इन्फ्लेशन आई है, आरबीआई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर दुनिया के कंपैरिजन में आप अगर देखो वी आर ए लॉट बेटर। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि सरकार का जो रेवेन्यू है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार की टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार के पास आज के समय इतना पैसा है कि कल को अगर आर्थिक मंदी के संकेत भी आते हैं तो उससे निपटने के लिए इंडिया बहुत से स्टेप्स उठा सकता है। अब यहाँ पर आप कहोगे एक बात बताओ, आर्थिक मंदी में एक कंट्री आ चुका है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन डिसाइड करता है? कोई फॉर्मूला होता है कि अब आपकी ग्रोथ रेट इतनी हो गई तो बाय डिफॉल्ट ये कंट्री आ चुका है रिसेशन में? तो देखिए, इसका कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। रिसेंटली व्हाइट हाउस ने भी इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया, जी हाँ, व्हाइट हाउस ने खुद इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया कि रिसेशन होती क्या है, कब हम कहते हैं कि एक देश आर्थिक मंदी में चला जाएगा। तो इसको लेकर देखिए, काफी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर लगातार कई महीनों तक एक देश की ग्रोथ नेगेटिव में जाती रहे, वहाँ के लोग परचेसिंग कम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें इकट्ठा जब हो रही हो तब साइंटिस्ट कहते हैं कि अब लग रहा है कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो रही है। अब यहाँ पर मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस मेरा काम है कि आपको हर तरफ से जो भी एंगल है सब कुछ बताऊं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, व्हाइट हाउस ने जब खुद ही ये ब्लॉग पोस्ट कर दिया कि जी रिसेशन का मतलब क्या है, जीडीपी नंबर थोड़े से अलग तरीके से दिखा दिए, तो उसके बाद यूएसए में आलोचना भी हुई बाइडेन की कि व्हाइट हाउस ने तो डेफिनेशन जो है, जो एक मेजर ब्रॉड डेफिनेशन है रिसेशन की, यही चेंज कर दी। और मैं एक्चुअली बैठ के सोच रहा था, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, चाइना ताइवान पे अटैक करने की लगातार धमकियां दे रहा है, लग रहा है कि कभी भी अटैक हो भी सकता है, दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा, यूएसए में रिसेशन का खतरा, जॉब लॉसेस वगैरह ये सब हो रहे हैं,
लोगों को डर रहा है ये सब होगा अगर ट्रंप पावर में आ जाएंगे, जबकि उल्टा यहाँ पर हो रहा है। ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन जब से यहाँ पे आए हैं तब से मस्त है यार, सॉरी ट्रंप मस्त बंदा है। इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है कि हम तो रिसेशन में जाएंगे ही नहीं, हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है, उल्टा फायदा होगा। मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि बिल्कुल इंडिया के लिए ये अच्छी बात है। और बीच में ये भी रिपोर्ट आ रही है, कई जो इकोनॉमिस्ट है ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की वजह से हो सकता है के ऑयल के दाम क्रैश कर जाएं, कोयले के दाम क्रैश कर जाएं, और सिंस इंडिया एक नेट इंपोर्टर है इन सब चीजों का, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को बेनिफिट भी हो। तो अब यहाँ पे आप कहोगे अब तो शाहरुख खान नहीं जा रहा, अब मैं कमेंट कर ही देता हूँ कि बस इंडिया इज बेस्ट, हमने बस हमारी इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मगर मैं यहाँ पे आपको कहूंगा रुको, अभी नहीं मेरे शेर, अभी रुको। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है वो ये है कि अगर यूएसए में रिसेशन आता है, हमारे यहाँ रिसेशन नहीं आता, तब भी हमको झटका लगेगा। क्योंकि याद रखिएगा इकोनॉमिकली हम यूएसए पर, यूएसए के साथ जो ट्रेड होता है हमारा उससे, उस पर हम काफी डिपेंड भी करते हैं। कई जो हमारी मेजर आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसए में। तो यूएसए में अगर आती है आर्थिक मंदी, वहां पर ये लोग कहते हैं कि बस अभी खर्चना कम है, बस अब आर्थिक अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, अगर यूएसए में रिसेशन आती है तो इसका डायरेक्ट आपको झटका लगेगा टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल पर। और इससे हो सकता है, मैं कहूंगा अगेन, मैं यही कहूंगा कि अगर यूएसए में रिसेशन आती है, अभी भी वहां पर ये 38-40% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो रिसेशन अगर वहां पे ऑफिशियली आ गई तो उसका झटका लगेगा इन कंपनियों पर, और उसकी वजह से हो सकता है कि एक बार को इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर जाए, इंडिया में जॉब लॉसेस हो थोड़ा बहुत। तो देखिए कष्ट हमको भी इसका होगा, हम इससे बिल्कुल भी आसानी से बच जाएंगे। तो ये भी एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इसमें भी काफी और डेवलपमेंट आएंगी, काफी इसमें और अपडेट्स आएंगी, तो मैं अपडेटेड वीडियोस इस पर लाता रहूंगा। वापस आते हैं अपने कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिनके प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इटली। पता नहीं इसका मारियो कुछ इस तरह नाम है। अच्छा और छोड़े यार इसकी तरफ आते हैं यार, काम बड़ा खराब हो गया। मतलब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो पिछले 3-4 महीने में बढ़ा भाई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा बढ़ा भाई, मंदी इस तरह आई है, स्टॉक मार्केट हमारी गिर रही है, हमारा डॉलर इस तरह गिर रहा है कि सॉरी हमारा पैसा, हमारा पैसा इस तरह गिर रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही भाई। 5-5 रुपए दिन का, 2-2 रुपए, 3-3, 10 रुपए भी पिछले दिनों एक साथ। मतलब इन 4 मंथ में हमारा डॉलर 182 से अभी 232 पे आ गया, इकोनॉमी की बैंड बाजी। 4 महीनों में 232 पे आ गया। आप इस बात से आइडिया लगा लो, चाइना में जो है ना उन्होंने टैंक खड़े कर दिए बैंकों के बाहर, इतनी बुरी शुरू है हाल उधर। अमेरिका में 40% इस टाइम पे जब पूरी दुनिया की बड़ी जो मतलब आर्थिक शक्तियां, मतलब जो भी इन जिनका मतलब पैसा जिनके पास ज्यादा है, वो गिर रहे हैं, और इंडिया 0% भाई, और वो अब 1% भी नहीं, 0%। आने वाला वक्त में, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बोला, मैंने कहा आने वाले वक्त में लोग इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा करेंगे, उधर से फायदा होगा, फायदा उनको सबसे ज्यादा। गाइस आप लोग इस सारी सिचुएशन पर क्या कहते हो, अपनी राय कमेंट जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।